हाय गाइस, मैं पूनम अपने चैनल पूनम किचन एंड ब्लॉग्स में आपका स्वागत करती हूँ। और आज मैं बनाने जा रही हूँ रसमलाई। तो हमें रसमलाई बनाने के लिए चाहिए दूध, ले लिया है हमने आधा लीटर। थोड़े दूध में हमने सेफ्रॉन भिगो के रखा था, इससे कलर अच्छा आता है। चीनी 5 चम्मच, थोड़े ड्राई फ्रूट्स हैं ये बादाम, और ये पिस्ता है, और ये पिसी हुई इलायची और ब्रेड। चलिए शुरू करके इस पर पैन रख लेते हैं। अब हम गैस ऑन करके इस पर पैन रख लेते हैं और इसमें हम दूध पकने के लिए रखेंगे। ये देखिए, हम इसमें डाल दे रहे हैं। इसे गाढ़ा करना होता है दूध को, तो जब तक ये गाढ़ा होता है तब तक हम अपने जो है रस मलाई बना के तैयार कर लेते हैं। एक बाउल में हम थोड़ा सा दूध लेंगे, ये मिक्सी में डाल देते हैं और ये हमने जो ब्रेड लिए हैं इन्हें हम काटेंगे। इस तरह से हम ना ये कटोरी से इसे इस तरह से हम ये ब्रेड के किनारे निकाल देंगे और इसे गोल गोल काट लेंगे कटोरी से। इस तरह से ये कटोरी रख के हम इसे दबा देंगे तो ये गोल आ जाएगा, ये आ जाएगा, और इसके किनारे हम हटा देंगे। इस तरह से हम सारी ब्रेड काट लेंगे। ये देखिए, ये देखिए, हम सारी ब्रेड ये कटोरे से काट लेते हैं और उधर पैन में दूध पक रहा है। ये हमारी ब्रेड कट चुकी है। अब हम ना इस ब्रेड को लेंगे और ये जो बाउल में हमने दूध डाला हुआ है इसमें डाल के इस तरह से भिगो लेंगे और इसे दबा के इसका जो अंदर गीला ये दूध गया ये निकाल देंगे। इस तरह से दबा देंगे अच्छी तरह से इसे, और इसमें थोड़े से ड्राई फ्रूट्स इसके अंदर रखेंगे, थोड़े से ड्राई फ्रूट्स, और इस तरह से इसके किनारे मोड़ के ये इस तरह से बना के हम ये रख लेंगे। ऐसे दूसरी ब्रेड का हम करेंगे, थोड़ा दूध भिगोएंगे और दबा के निकाल देंगे दूध। फिर इसमें थोड़े से ड्राई फ्रूट्स ये इस तरह डालेंगे, इसके किनारे मोड़ के ये किनारे ऐसे मोड़ गए थे तब आ गई, ये इस तरह से बन जाएगा। ये देखिए, इसे हम रख लेंगे प्लेट में। अब ये दूध पक रहा है, इसको गाढ़ा होने देंगे। अब इसी तरह से हम सब ब्रेड के ये बना के रख लेंगे। ये इस तरह से मोड़ के इसे दबा देंगे। ये रख के फिर मोड़ेंगे
है वो मोड़ के फिर हम इसका ये फिर इस तरह से दबा देंगे। इस तरह हम सारी रसमलाई बना के तैयार कर लेंगे और प्लेट में रख लेंगे। तो देखिए गाइस ये दूध पक रहा है, ये गाढ़ा होना शुरू हो गया है। अब हम इसमें ये मैंने इसमें सैफ्रॉन डाल के रखा था दूध में, अब इसे डालेंगे, इससे कलर बहुत अच्छा आता है। इसमें थोड़ा सा दूध डाल के ये इसमें डाल देंगे। सैफ्रॉन जो है डालने से दूध में कलर बढ़िया हो जाता है। ये देखिए येलो दिखाई दे रहा है इसमें, ये दूध का कलर ये पीला होना शुरू हो गया, इससे सैफ्रॉन से ही हो रहा है ये। अभी और थोड़ा पकाएंगे इसे और इसमें हम इलायची पाउडर भी डाल देंगे इसके साथ ही। ये देखिए ये पक रहा है, ये देखिए कितना सुंदर लग रहा है दूध। अभी गाढ़ा हो जाएगा, हमारी रसमलाई बहुत अच्छी बनने वाली है। ये देखिए गाइस कितना सुंदर लग रहा है। अभी दूध थोड़ा और गाढ़ा करेंगे, अभी इसे थोड़ी देर और पकने देंगे। ये देखिए इसे हम चलाते रहेंगे क्योंकि अभी गाढ़ा होने लगा है तो ये नीचे लग सकता है, इसलिए थोड़ा इसे चलाते ही रहेंगे जिससे ये पकता रहे। इसमें हम ड्राई फ्रूट्स भी डाल देते हैं ताकि इसके साथ वो भी अच्छे से पक जाएंगे। ये देखिए डाल दिए हमें ड्राई फ्रूट्स, बादाम भी डाल देते हैं। अभी इसे हम और पकने देते हैं। देखिए गाइस ये दूध हमारा पककर तैयार हो चुका है, हमारी रसमलाई का तैयार है सब सामान। अब हम इसमें चीनी डालेंगे, हम गैस बंद कर लेंगे और चीनी डालेंगे। हमने इसमें 5 चम्मच चीनी डाली है, अब हम चीनी को इसमें घोल देंगे, इस तरह से चलाते रहेंगे तो ये घुल जाएगी। ये देखिए कितना सुंदर लग रहा है और खाने में भी बहुत टेस्टी होती है ये रसमलाई, बहुत अच्छी लग रही है देखने में ही तो खाने में कितनी अच्छी होगी। ये देखिए हमारा ये तैयार हो गया। अब हम इसे सर्व करेंगे। ये हम बाउल लेंगे, इसमें पहले थोड़ा सा दूध रखेंगे। इसमें हम अपनी ये रसमलाई रख लेंगे इस तरह से और फिर इस पर ऊपर से ये अपना जो हमने दूध गाढ़ा किया है वो डालेंगे। ये देखिए गाइस इस तरह से दिखाई देगा। ये देखिए ये हमारी रसमलाई तैयार है। ये रसमलाई हमारी तैयार हो चुकी है। तो गाइस हमारी रसमलाई तैयार हो चुकी है। ये देखिए गाइस ये रसमलाई है हमारी, ये बनकर तैयार है। आपको हमारी रेसिपी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हम मिलते हैं अब अगली कुकिंग वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।